संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं, तो आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है, खासकर गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स का अक्सर शिकायत था कि सर आप वोमेंस पॉलिटेक्निक के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे। तो चलिए भाई, मैं वोमेंस पॉलिटेक्निक गम्हरिया की एक सीनियर स्टूडेंट को ही अपने स्टूडियो में बुलाया हूं और उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफी खास होगा और आज हम लोग गर्ल्स पॉलिटेक्निक गम्हरिया के बारे में बहुत ही डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय दे दें। मैं रिया वर्मा, मैं गवर्नमेंट वुमेन्स गम्हरिया से पास आउट हूं 2016-2019 में। ओके, तो सबसे पहले बहुत सारी बच्चियां ये जानना चाहेंगी कि गम्हरिया में कौन कौन से ब्रांच हैं और कितने रेंज तक लमसम मिल जाएगा, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दें आप। गम्हरिया में चार ब्रांच है, मैकेनिकल, ईसीई, सीएस एंड आर्किटेक्चर। और मेरे हिसाब से सबसे पहले वहां पे मैकेनिकल का सीट फुल होता है, जो कि आपको 3000 रैंक तक मिल जाएगा। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल के बाद वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जल्दी बढ़ता है, तो वो आपको अप्रॉक्स 5-6000 तक मिल जाएगा। और उसके बाद 6-10000 तक आपको सीएस और आर्किटेक्चर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अब पेरेंट्स या बच्चियों को ये जानने की इच्छा होगी कि वहाँ लगभग खर्च क्या हो जाते हैं, एडमिशन में क्या हो जाता है, फिर वहाँ के हॉस्टल का चार्ज क्या है और मेस का चार्ज क्या है, ये थोड़ा सा डिटेल बता दें। चूंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे चार्ज ज्यादा नहीं आता है। एडमिशन के टाइम पे आपको 400 एंड समथिंग लगेगा एडमिशन के टाइम पे। उसके बाद अगर आपको फर्स्ट ईयर से हॉस्टल लेना है तो हॉस्टल का एक चलान कटता है 1000 का, 1000 एंड समथिंग रुपीस। तो 1000 आपको पर ईयर हॉस्टल में देना पड़ता है, जो कि आप 3 साल का ये कोर्स है तो 1-1-1 मतलब 3000 एंड अप्रोक्स, जो कि 1 ईयर के गैप में आपको देना पड़ता है। और मेस का चार्ज वहाँ पर मंथ अभी का रेट 2000 चल रहा है पर मंथ, मतलब 2000 खाने पीने के लिए पर मंथ का उनको देना होगा। और एनुअली जो हॉस्टल चार्ज है वो 1000 के आसपास। अब इसके बाद पढ़ाई की व्यवस्था की बात करते हैं कि पढ़ाई कैसी होती है उस कॉलेज में, क्योंकि ये भी पेरेंट्स जानना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज पर ये आरोप आता आया है कि पढ़ाई ढंग से नहीं होता, तो आप मुझे बताएं कि गम्हरिया कॉलेज का क्या कंडीशन है। नहीं, गम्हरिया कॉलेज का कंडीशन पढ़ाई को लेकर बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि वहाँ पे HOD मैम है एक, वो आर्किटेक्चर से ही पास आउट है, सो वो आर्किटेक्चर के स्टूडेंट पे खास करके ज्यादा ध्यान देती है कि उसके टीचर्स हमेशा रहे पढ़ाए, तो पढ़ाई वहाँ पे आर्किटेक्चर का अच्छा होता है। और अदर ब्रांच का बात करें तो वहाँ पे लगभग वैसा शिकायत नहीं आता है कि पढ़ाई नहीं हो रहा। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आती है वर्कशॉप में, बट क्लास वगैरह ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे टीचर्स अवेलेबल है, आपको सारे क्लास अच्छे से टाइम पे मिल जाएगी। क्या वहाँ कुछ पीटीएल टीचर भी है? ओके, अब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा वहाँ के प्लेसमेंट के बारे में, तो वहाँ का प्लेसमेंट कैसा है कॉलेज का? प्लेसमेंट वहाँ का अगर हम बात करें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये दो ब्रांच के लिए प्लेसमेंट वहाँ पे अच्छा रहा है। टाटा स्टील आती है हर साल 2-3-5, मतलब अकॉर्डिंग, मतलब जैसा उसको चाहिए वो टाटा स्टील लेके जाती है। अभी तो फिलहाल एग्जाम वगैरह हो गया है तो थोड़ा सा कम स्टूडेंट ले रही है, पहले वो 10-9 ऐसे लेके जाती थी, तो टाटा स्टील खुद ही वहाँ पे आती है। और टाटा स्टील बहुत ही अच्छा स्कोप है बच्चों के लिए अगर वहाँ पे उसका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है तो। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सीएट टायर भी बहुत सारी कंपनी आती है, राजस्थान वगैरह, जयपुर और बहुत दूर दूर से। बट आर्किटेक्चर का थोड़ा सा कैंपस का वहाँ पे प्रॉब्लम है, बाकी और दोनों ब्रांच के लिए ठीक है। तो चूंकि आप आर्किटेक्चर ब्रांच से ही हैं और आर्किटेक्चर के बारे में लोग कह रहे हैं कि प्लेसमेंट ज्यादा नहीं होता, तो आप उसके फ्यूचर स्कोप, चूंकि आपने वहां से डिप्लोमा किया है और आप प्लेसमेंट ली हैं, तो बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहेंगे कि आर्किटेक्चर अगर वो लेती है तो उनके लिए क्या स्कोप होगा, तो थोड़ा सा आर्किटेक्चर ब्रांच के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं आप। आर्किटेक्चर में क्या है कि आपको प्लेसमेंट कॉलेज नहीं देगी, कॉलेज से कोई कंपनी नहीं आती आर्किटेक्चर के लिए, बट चूंकि आपको नॉलेज है, आप खुद जाके किसी कंपनी में रिज्यूम दे सकते हो। अगर आपको नॉलेज रहेगा, सॉफ्टवेयर नॉलेज, आजकल तो सारा काम सॉफ्टवेयर पे हो गया है, तो चूंकि आप सॉफ्टवेयर पे अगर नक्शा बना पाते हो तो कोई भी कंपनी आपको लेने से चुकेगी नहीं, तो आप सारे कंपनी में रिज्यूम दो। मेरे टाइम पे मैंने 10 कंपनी में रिज्यूम दिया था और लगभग 9 कंपनी से मुझे कॉल आ गया था। तो मैं अभी ज्वाइन की हूँ एक MS राम लक्ष्मण स्काई एसोसिएट है वहाँ पे, तो वहाँ पे मुझे बहुत नए नए काम भी सिखाया गया। तो आपको कैंपस कॉलेज देगी या जरूरी नहीं है कि आप खुद से नॉलेज लो, खुद से आप कंपनी के पास जाओ, आपको कैंपस खुद ही मिल जाएगा। ओके, तो अभी लगभग बच्चियों के लिए अगर मान लीजिए कि वो आर्किटेक्चर लेती हैं, तो क्या सेल्फ अगर अपना स्टार्टअप लेना चाहे तो वो कर सकती हैं? हाँ, आर्किटेक्चर के बाद आप सेल्फ स्टार्टअप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा
और थोड़ा सा उस पर आपको टाइम देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप डिप्लोमा से करके सेल्फ स्टार्ट करना चाहते हो तो डिप्लोमा के 3 ईयर का, डिप्लोमा के बाद आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस का जरूरत होता है। 3 ईयर डिप्लोमा और 2 ईयर एक्सपीरियंस करने के बाद आप किसी भी JNIC या फिर ब्लॉक व्लॉक में आप जा करके अपना लाइसेंस बनवा सकते हो कॉलेज का सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देके। तो गवर्नमेंट आपको अथराइज कर देगी G+2 फ्लोर तक बिल्डिंग बनाने के लिए। तो आपका साइन का क्या हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, आपका साइन का वैल्यू हो जाएगा। तो आप खुद से नक्शा बना के साइन करके दे सकते हो, तो आप सेल्फ स्टार्टअप कर सकते हो डिप्लोमा से भी। लेकिन अगर आपको उससे ज्यादा आगे तक जाना है तो आप BTech कर लो सिविल से, या तो BR कर लो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो उससे क्या होता है, आपको गवर्नमेंट ही लाइसेंस दे देगी कि आप आर्किटेक्ट हो, आप ही नक्शा बनाओ, आप ही साइन करो, आप ही पास करो, आप ही दो। तो ये बहुत अच्छा ब्रांच है अगर आप सेल्फ बिजनेस कुछ करना चाहते हो तो। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपने बताया कि यहाँ से डिप्लोमा करने के बाद BTech के लिए दोनों चूज किया जा सकता है, अगर वो सिविल चाहे BTech से तो सिविल कर सकती है, या बैचलर इन आर्किटेक्चर में भी एडमिशन लिया जा सकता है। तो क्या यहाँ से D2D के थ्रू BIT सिंद्री में भी बच्चे जाते हैं? हाँ। ओके, तो चलिए ये बड़ा स्कोप है कि अगर आप डिप्लोमा कर भी चाहते हैं अपना स्टार्टअप लेना तो आप स्टार्टअप ले सकती हैं, और नहीं तो फिर आप BTech कर भी आसानी से अपना स्टार्टअप ले सकती हैं। तो अभी आप जिस कंपनी में, लगभग इसका पे स्केल, लगभग एक आर्किटेक्चर ब्रांच के बच्चों का लगभग पे स्केल अभी स्टार्टिंग कितने तक होता है और कहां तक जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। स्टार्टिंग सैलरी, चूंकि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, बट स्टार्टिंग सैलरी आपका 10,000 से स्टार्ट होता है। मुझे तो 15,000 पर मंथ मिलता है, तो 10,000 से आपका स्टार्ट होता है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो वो कंपनी आपको 6 मंथ में या फिर 1 ईयर में आपका पेमेंट बढ़ा देती है। उसके बाद अगर आप साइड से इनकम करना चाहते हो तो आप किसी का भी, जैसे कि आपके वहां पे पहचान जब बन जाएगा तो खुदा लोग आपके पास आएंगे कि मेरा घर पे ये प्रॉब्लम है, इसको सही करना है, या फिर नक्शा बनाना है, या फिर इंटीरियर का काम करना है। तो आप साइड भी इनकम इसमें कर सकते हो, पर डिजाइन बना के आप अपने अकॉर्डिंग चार्ज करके उसका इनकम कर सकते हो। तो ये भी बेनिफिट है गर्ल्स के लिए। तो मुझे लगता है कि आफ्टर मैंने फोर सिचुएशन, अगर मान लीजिए कि मैरिज के बाद भी अपने ससुराल में भी साइड से अगर वो चाहेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा भी मैं काम करूं, तो एक साइड मुझे लगता है गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा जॉब प्रोफाइल मेरे को अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो आफ्टर मैरिज के बाद भी, चूंकि थोड़ा सा जो पार्ट टाइम उनको मिलता है वो पार्ट टाइम जॉब करके एक अच्छा खासा अर्न भी कर सकती है, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आर्किटेक्चर ब्रांच मुझे लगता है बेस्ट है। अच्छा, मैं और जानना चाहूंगा कि आर्किटेक्चर ब्रांच को और उनमें और कौन कौन सी चीजों को और स्टडी करना चाहिए, चूंकि ये कंप्यूटर रिलेटेड हो जाता है, तो इसमें क्या ऑटोकैड या और भी ब्रांचेस का स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाता है? आर्किटेक्चर डिप्लोमा में आप लोगों को पूरा नक्शा बनाने सिखा दिया जाएगा, आप लोगों को रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, रोड, ये सब कैसे नक्शा बनता है पूरा आप लोगों को डिटेल सिखा दिया जाएगा। बट अभी का जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है उसमें क्या है, सब कुछ कंप्यूटर एडेड हो गया है। तो आप लोगों को ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोगों को 2D प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये सब पूरा बिल्डिंग को काट के इवन उसमें दिखाया जाता है सॉफ्टवेयर में कि ये बिल्डिंग का हाइट क्या जा रहा है, स्लैब का हाइट क्या है। तो वो आपको कैड सॉफ्टवेयर में सिखाया जाता है। उसके बाद कैड से अगर हाई लेवल आप कुछ और सीखना चाहते हो तो 3D सॉफ्टवेयर, 3DS Max सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको पूरा बिल्डिंग का 3D व्यू बनता है। उसमें आप बिल्डिंग को बनने से पहले देख सकते हो, कलर चेंज करके डाल सकते हो कि कौन सा कलर मेरे बिल्डिंग को सूट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो पूरा 3D व्यू बन जाता है 3DS सॉफ्टवेयर में। लाइट वर्क, इंटीरियर का काम भी आप सीख सकते हो उसके बाद, इंटीरियर डिजाइन वगैरह। तो बहुत ज्यादा ही स्कोप है अगर आप खुद से मेहनत करो और सॉफ्टवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर सीख जाओ तो आपको खुद ही कंपनी सॉफ्टवेयर ले जाएगी। ओके, तो दैट मींस इसमें काफी अच्छा स्कोप है। अगर आप डिप्लोमा करना चाहती हैं तो आप आर्किटेक्चर ब्रांच को भी चूज कर सकती हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें काफी ज्यादा स्कोप है। और इस वीडियो में आपको काफी डिटेल भी मिला होगा, खासकर गमरिया कॉलेजेस और आर्किटेक्चर ब्रांच की। तो चलिए अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।